said she just wanna fucking smoke and pop them pills. Ay, I take it to the back of the room, now tell me how you feel. She's so bad, she just wanna fucking smoke and pop them pills. I make a lot of hits, one day they gon' worth a meal. हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया चल रहा होगा। और आज हम जाने वाले हैं अल्ट्रा वायलेट के शोरूम। अल्ट्रा वायलेट आपने शायद सुना नहीं होगा, बैंगलोर बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जो अभी रिसेंटली जिसकी बाइक आई है अल्ट्रा वायलेट F77। और आज हम लोग जाने वाले हैं उसकी टेस्ट राइड लेने। तो वीडियो में अंत तक बने रहना सो डैट आपको भी दिखा पाऊँ क्या कुछ है उस बाइक में, कैसी है राइड क्वालिटी एंड फीचर्स, एवरीथिंग आई विल बी एडिंग इन दिस वीडियो। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो दिन के 3 बज चुके हैं और मौसम का मिजाज बदला बदला सा लग रहा है, क्योंकि लग रही है जैसे बारिश होने वाली है। बैंगलोर में गर्मी काफ़ी बढ़ गई थी, शायद थोड़ा कूल डाउन हो जाए बैंगलोर। सो आज जो ये जो टेस्ट राइड मैं लेने वाला हूँ, ये अल्ट्रा वायलेट F77 जो बाइक है, ये मेरी दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक की टेस्ट राइड होगी। इससे पहले मैंने स्कूटर जो कि आपकी हीरो वीडा थी, काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर वो भी थी। और ये जो बाइक है आप इसे कह सकते हो इट्स काइंड ऑफ अ सुपर बाइक और अ वेरी स्पोर्ट्स कैटेगरी बाइक व्हिच आई एम गोइंग टू राइड टुडे। अल्ट्रा वायलेट की जो शोरूम है बैंगलोर के डोमलू रीजन में, आप ऑन द रोड आपको ये शोरूम मिल जाएगा। शोरूम का नाम जो है अल्ट्रा वायलेट हैंगर है। फुल आप स्ट्रिप वर्जन ऑफ बाइक देख सकते हो, कहाँ पे क्या फिटिंग है, कैसे वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, सारे चीज़ आपको देखने मिलेंगे वहाँ पे। तो आज आपको शोरूम टूर भी हम करवाएंगे। अभी तक इन्होंने 100 व्हीकल ऑलरेडी सेल कर दिया है और ऑलमोस्ट 1200 मोटरसाइकिल्स की इन बुकिंग हो चुकी है। सो इट्स क्वाइट गुड इन नंबर्स एज इट्स जस्ट अ न्यू स्टार्टअप कंपनी, बट बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ की है। सो ऑटोमोबाइल जो है ना वो अपने खून में ही है। बचपन से ही मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहा है बाइक्स, कार्स, खिलौने। जो भी मैं बचपन में खेलता था तो सारी कार और बाइक वाली खिलौनों से मैं खेलता था और इट बिकेम अ पैशन फॉर मी। एंड इंजीनियरिंग वो भी मैंने मैकेनिकल से की और मेरी जो सब्जेक्ट थी वो भी ऑटोमोबाइल थी। तो बाइक राइड और बाइक रिव्यूज़ जो आपको आती है ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ माई पैशन डूइंग इट। एंड YouTube इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू गाइज। सो बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो वीडियो पे कि अपना ओपिनियन शेयर करते हो, तो वही कनेक्शन मुझे चाहिए। सो इसलिए मैं अभी और भी वीडियोज़ ऐसे लाते रहूँगा अपने चैनल पे और विल कनेक्ट मोर एंड विल शेयर आर नॉलेज मोर। बाय दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड। फाइनली हमारी शॉर्ट सिटी राइड के बाद हम पहुँचे अल्ट्रा वायलेट के शोरूम काफ़ी बड़ी थी और मॉडर्न भी। And as soon as you enter the showroom, you'll definitely feel that you are in some premium segment. So this showroom is divided into 2 floors. So in the ground floor, आपको की lineup में जितने भी मॉडलें हैं वो आपको देखने मिल जाएगी ground floor पे, और नीचे से आपको ऊपर hang करे हुए bikes दिखेंगे, तो काफ़ी interesting लगता है वो। और ऊपर जैसे जाओगे तो आपको accessories zone भी दिखेंगे जो अभी आपको screen में दिख रहा है, और साथ में एक प्ले स्टेशन एरिया है। So overall this place is good place to hang out whenever you are coming for a test drive. You will also find a stripped or the skeletal version of the bike and it looks quite fascinating, and you can see all the parts from which it is made of and also the battery which is the powerhouse of this bike. So this is the motor of this vehicle and it generates 29 kilowatt power or you can say 38.8 horsepower. And there's a battery which is quite big as you can see, and its capacity of this battery is 10.3 kilowatt hour. So there are 2 model, F77 original and F77 recon. F77 original mein aapko 7.1 kilowatt hour ki battery capacity milegi aur dusri model mein 10.3 kilowatt hour jo ki recon model hai. So bike ke sath aapko standard charger milta hai jo ki
8 आवर्स लगाता है पूरी तरह से चार्ज करने के लिए. एंड देर इज़ अ बूस्ट चार्जर ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल विच इज़ टेकिंग 3.5 आवर टू कम्प्लीटली चार्ज द बाइक फ्रॉम 0 to 100. और जो अभी आपको दिख रहा है ये बूस्ट चार्जर है जो कि शोरूम के जस्ट बाहर ही लगा हुआ है एंड यू कैन चार्ज योर व्हीकल एनी टाइम फ्रॉम हियर. और क्लेम्ड रेंज की अगर बात की जाए जो ओरिजिनल वर्जन है उसकी रेंज 206 किलोमीटर्स की है और जो रिकॉन वर्जन है उसकी रेंज 307 किलोमीटर है जो कि काफ़ी अच्छी रेंज है कंसिडरिंग इट्स अ इलेक्ट्रिक व्हीकल. सो देयर आर 3 कलर ऑप्शन शैडो एयर स्ट्राइक एंड लेज़र और मुझे पर्सनली लेज़र कलर काफ़ी फैसिनेटिंग लगी. सो लेट मी शो यू द क्लोज़र व्यू ऑफ दिस बाइक. सो सामने से काफ़ी अपीलिंग डिज़ाइन लगती है, काफ़ी शार्प एजेस हैं इस बाइक में और पीछे इंडिकेटर्स LED, बैकलाइट भी LED एंड जो डिज़ाइन पैटर्न है वो काफ़ी स्मूथ सा है एंड लुक्स वेरी स्पोर्टी. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्पोर्ट्स बाइक डेफिनेटली यू शुड कंसिडर दिस वन. तो यहाँ पे आपको 5-inch की डिस्प्ले या कह लो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलती है जहाँ पे आपको मेनी ऑप्शन हैं. F77 में अगर आप जाओगे तो बाइक की डिटेल देख सकते हो. And then there is a navigate option also to which you can navigate, but abhi due to network it was not active. Then setting mein agar aap jaate ho to display setting aap change kar sakte ho, sound ki setting aap change kar sakte ho according to your choice. And from the my trip option you can see your trips and also set it up. And moving ahead to performance mode, here you can switch on and switch off the ABS from dual and single channel. And you can also set regen braking to low, high, medium as per your choice. And in the document section, you can save your driving license, identity card, and there is an option for Bluetooth to connect your mobile. And also with the battery option, you can see how much percentage of battery is available and how much range you will be getting. So yahan pe aapko ek limited edition version bhi available hai is bike ki. जो कि कॉस्ट करती है 1 lakh एक्स्ट्रा एंड टॉर्क एंड पावर फिगर थोड़ी ज़्यादा है नॉर्मल बाइक से. बिफोर वी गेट इनटू द राइड लेट्स नो दैट देर आर 3 मोड्स, ग्लाइड दैट इज इकोनॉमी मोड, कॉम्बैट दैट इज काइंड ऑफ अ स्पोर्ट मोड एंड बैलिस्टिक विच इज़ अ रेस मोड वेर यू गेट मैक्सिमम पावर एंड टॉर्क एंड यू कैन स्विच बिटवीन द मोड इन बिटवीन राइड्स. चलिए अब इसे चलाकर देखते हैं और चेक करते हैं क्या ये बीट कर पाएगी हमारी नॉर्मल इंजन वाली बाइक की परफॉर्मेंस को. तो बाइक पे बैठते साथ जो मेन फीलिंग थी वो थी कॉन्फिडेंस जो ये बिल्ड कर रही थी वाइल राइडिंग. ऑल दो ये बाइक 208 किलोग्राम्स की है पर चलाते वक्त आपको ज़रा भी फील नहीं होगा कि ये बाइक इतनी भारी है. इस बाइक में जो बैटरी लगी है वो 160 केजीस के अराउंड है बट वेट को इतनी अच्छे से मैनेज करा गया है कि आपको एक बेहतर राइडिंग डायनेमिक्स मिलती है. ब्रेकिंग की अगर बात की जाए तो फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको ABS मिलते हैं एंड वाइल राइडिंग आई फेल्ट इट वॉज क्वाइट श्योर फुटेड. सस्पेंशन सेटअप थोड़ी सी स्टिफ लगी बट राइड क्वालिटी ओवरऑल वॉज गुड. तो इस बाइक में दी गई तीनों मोड को मैंने ट्राई करा. पहला ग्लाइड मोड जो कि सिटी राइड के लिए बेस्ट है और एक बेहतर रेंज आपको मिलेगा ग्लाइड मोड में. और अगर थोड़ी पावर और चाहिए आपको तो आप कॉम्बैट मोड में भी बाइक को सिटी में चला सकते हो. एंड एज सून एज यू स्विच ऑन टू दी बैलिस्टिक मोड द गेम चेंजेस. यहाँ पे जो आपको पावर मिलती है, जो थ्रस्ट मिलता है, जो पुल मिलता है वो इस बाइक को स्मॉल रॉकेट बना देता है एंड यू विल गेट द रियल फन ऑफ राइडिंग दिस सुपर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल. And this all happens because of the high torque of 95 Newton meter which kicks in when you are in ballistic mode. And also the 38.1 PS of power which comes in picture in this mode. Overall, the ride was quite fun and I must say this bike is just wow. Do let me know your opinion about this bike in the comment section below. प्राइसिंग की बात की जाए तो द स्टैंडर्ड वेरिएंट स्टार्ट्स फ्रॉम 3.8 lakhs एंड रिकॉन वेरिएंट इज 4.5 lakhs एंड द टॉप वेरिएंट दैट इज द लिमिटेड एडिशन वेरिएंट इज 5.5 lakhs एक्स शोरूम. दिस वॉज ऑल अबाउट अल्ट्रा वायलेट F77. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल.